नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित पटेल है। मैं रुकमणी मोटर ट्रू वैल्यू से हूँ, मैं सेल्स में हूँ। ये इमरोल्ड अपने इंदौर से, इंदौर राव में है शोरूम। इमरोल्ड स्कूल के जस्ट पास में ही लगा हुआ शोरूम है। आपको मैं यहाँ मिलूँगा, सुमित पटेल नाम है मेरा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये डस्टन गो है, सस्ती बजट की गाड़ियाँ हैं सर। अपने पास 8 इजिट कंडीशन गाड़ियाँ हैं। ये जैसी कस्टमर से ली है वैसी आपको सेल होगी। इस पे हमारी ट्रू वैल्यू से कुछ भी काम नहीं हुआ है। एज इट इज कंडीशन में गाड़ियां हैं। जैसे कि डस्टन गो, ये पेट्रोल प्लस एलपीजी गाड़ी है। ये 1.65 की गाड़ी है। इसमें ये 2015 की गाड़ी है, ओनर सेकेंड है। टायर भी आप देखेंगे तो इसमें 80% टायर आपको मिल जाएंगे। इसमें प्लस आपको एक टूल किट, एक स्टेपनी मिल जाएगी। मतलब 1.65 में आपको ये गाड़ी मिल रही है। बाकी इसमें जो आरटीओ चार्ज लगेगा, 1.5% आरटीओ चार्ज लगेगा, 45 ग्रीन टैक्स वगैरह जो लगता है, जो नई गाड़ी में लगता है, सेकेंड हैंड गाड़ी में लगता है, ये चीज़ें तो लगती ही है इसके अंदर। तो ये आज तक मैं बताता हूँ, 1.65 की गाड़ी है तो आपको 1.80 के आसपास ये गाड़ी मिल जाएगी। फिर आप आते हैं, 2007 की गाड़ी है, वेगेनार, पेट्रोल प्लस सीएनजी इसमें लगा हुआ है और ये मॉडल 2007 है। इसमें भी आप टायर देख सकते हो, तो इसमें भी टायर आप समझ लो 70% टायर ओरिजिनल है। इसमें भी एक स्टेपनी टूल किट मिल जाएगी आपको। फिर स्विफ्ट डिजायर वीडीआई 2009 मॉडल है। ये 2.75 की गाड़ी है। डीजल में आपको ये एवरेज भी कम से कम 20 के ऊपर निकाल देगी, 20 प्लस ही निकालेगी एवरेज। इसमें भी आप टायर देखें तो इसके टायर बिल्कुल 80% टायर मिलेंगे आपको। प्लस आपको एक टूल किट मिलेगी, स्टेपनी अलग मिल जाएगी इसके अंदर। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। 2.75 की गाड़ी है, जहाँ तक माने तो 2.90 में आपको ये गाड़ी कंप्लीट मिल जाएगी। फिर आ जाते हैं वेगन आर VXI में। ये भी पेट्रोल गाड़ी है, ये 2.5 लाख की गाड़ी है, 2.50 की गाड़ी है। ये मैन्युफैक्चरिंग 2012 है, रजिस्ट्रेशन 2013 का है, फर्स्ट ओनर है गाड़ी। इसमें भी आपको एक टूल किट स्टेपनी मिल जाएगी, टायर भी बिल्कुल ओके है, रनिंग कंडीशन में गाड़ियाँ। फिर होंडाई की i10 मिल जाएगी, जो 2008-2007 में बहुत चली थी। ये गाड़ी होंडाई की है, ये प्योर पेट्रोल है, इसमें ये फर्स्ट ओनर है और इस पे भी कम से कम आपको हर गाड़ियों में 50% लोन अवेलेबल है। अपने यहाँ लोन अपने आप कोई सी भी बैंक के, बहुत सारी बैंक के, सबका रेट सेम है, कोई सी भी बैंक से करवा सकते हैं आपको। और 50% भी नहीं, मैं 75% लोन की बता रहा हूँ, 75% लोन आपको हो जाएगा इसमें भी। ये गाड़ी भी ऑप्शन बहुत अच्छा है। 1.75 में गाड़ी है, आपको नहीं नहीं करते 1.85 में गाड़ी कंप्लीट मिल जाएगी ना, विथ नॉन ट्रांसफर। फिर मारुति अल्टो 800 है, LXI है, पेट्रोल प्लस LPG लगाया है इसके अंदर। 2.45 की गाड़ी है, ये 2016 मॉडल है, सेकेंड ओनर है। इसमें भी 75% लोन अवेलेबल है। इसमें भी स्टेपनी टूल किट मिल जाएगी आपको। ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। LXI मॉडल है ये। फिर हुंडई में i10 मेघना मॉडल है, ये प्योर पेट्रोल गाड़ी है, 2.25 की गाड़ी है, 2011 मॉडल है। ये भी फर्स्ट ओनर है, ये भी वेल कंडीशन है गाड़ी में, इसमें भी कोई इशू नहीं, रनिंग कंडीशन में गाड़ी ये भी आपको मिल जाएगी। इसमें भी प्लस स्टेपनी टूल किट मिल जाएगा। टूल किट स्टेपनी तो आपको हर गाड़ी में मिल जाएगी। फिर 1.75 में जेन स्टेलियो है। ये गाड़ी आपके लिए बहुत ऑप्शन अवेबल है। इसमें आप देख सकते हैं, आपको सीट कवर भी ओके मिलेगा, हर चीज ओके है, चारों पावर विंडो मिलेगी, पावर स्टीयरिंग, एसी हीटर वगैरह सब चालू है इसमें भी। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें सीट कवर भी बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं, लेना है आपको सीधा चलाना है इसको। आपको 5-6 महीने के बाद ही इसकी सर्विसिंग करवानी है, बाकी अपन इसमें ऑयल पानी वगैरह सब चेक करके ही आपको डिलीवर करेंगे। फिर हुंडई की i10 है एरा, 1.75 में, 2009 में ये गाड़ी भी बहुत चली थी। ये भी पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल गाड़ी है। इस पे भी आपको टायर 80% टायर पूरे मिलेंगे आपको। इसमें भी स्टेपनी टूल किट वगैरह सब मिलेगी इसके अंदर भी गाड़ी। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कि केरलोट की स्पार्क, ये गाड़ी भी बहुत चली थी एक समय पे। इसकी कॉस्ट, मतलब जिसका बजट कम है उसके हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। 55,000 की गाड़ी है, 55 प्लस इसमें जो आरटीओ चार्ज लग रहा है, आरटीओ और 45,000 ग्रीन टैक्स चार्ज जो लग रहा है उसका मैं मनाता हूँ, ये गाड़ी आपको 60 या 65 हज़ार में कंप्लीट मिल जाएगी। ये मैंने आरटीओ का चार्ज ही बता दिया, उसके अंदर हर चीज बता दी इसके अंदर आपको मैंने। फिर हुंडई की i10 है, मेघना, पेट्रोल है, 2.25 की गाड़ी है ये, और 2010 मॉडल है।
इस पे भी 50% लोन अवेलेबल है। ये हुंडई की गाड़ी है, इसमें भी टायर 80% मिलेंगे आपको, स्टेपनी टूल किट सब मिलेगा इसमें भी। फिर मारुति स्विफ्ट एलेक्साई पेट्रोल में 1.5 लाख की गाड़ी है, 2006 मॉडल है, ओनर ये सेकेंड है, बस ओनर सेकेंड है इसमें, बाकी ओनर्स। और इसमें भी आपको स्टेपनी टूल किट मिल जाएगी, इसमें भी 50% लोन अवेलेबल है, 50% में बता रहा हूँ, बाकी इसमें 75% आपको लोन आराम से मिलेगा। फिर डस्टन गो पेट्रोल 1.65 की गाड़ी है, ये 2015 का, मैन्युफैक्चरर 2014 का है, फर्स्ट ओनर है, इसमें भी 75% लोन अवेलेबल है। ये सब जितनी भी गाड़ियां हमारे पीछे रखी, ये नॉन सर्टिफाइड गाड़ियां है, इस पे मारो ट्रू वैल्यू से कुछ भी काम नहीं कराया है, कुछ भी चीज इस पे कंपनी ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया है, ये सब नॉन सर्टिफाइड गाड़ी है, 8 डिजिट कंडीशन में, जैसी गाड़ी वैसी आपको डिलीवर होगी। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी पूरी रनिंग कंडीशन में है, गाड़ी में आपको कुछ नहीं करवाना है, गाड़ी जो हमने ली है इसको चेक करके ही ली है, इंजन वगैरह सबकी हम इतनी गारंटी दे सकते हैं कि हाँ गाड़ी रनिंग कंडीशन में। फिर मारुति वेगेनर आएगी LXi 1.65 में, 2009 की मॉडल, 2009 मॉडल है, पेट्रोल प्लस LPG इसमें भी अटैच है, और LPG भी अटैच है, LPG भी आपको एवरेज भी अच्छा मिल जाएगा। LPG का क्या रहता है कि LPG हर भारत में कहीं भी आपको अवेलेबल आराम से हो जाता है, और ये 1.65 की गाड़ी है, 1.80 के आसपास में आपको ये गाड़ी कंप्लीट दे दूंगा, विद नॉन ट्रांसफर और टैक्स वगैरह सब मिला के। फिर आ जाइए हुंडई i10 पे, दो ये गाड़ी है सेकेंड ओनर, 2010 की गाड़ी है, 2,10,000 इसकी कॉस्ट है, प्योर पेट्रोल गाड़ी है, इसमें भी 75% लोन हो जाएगा आपको। टायर देख सकते हो आप, टायर भी बिल्कुल 80% है, टायर में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, 2 साल टायर की, अगर आपका रनिंग कम है तो 2.5 साल आपको टायर आराम से निकल जाएंगे, और C8 के टायर है इसके अंदर चारों, एक स्टेपनी टूल किट इसमें भी आपको मिल जाएगी। फिर हुंडई की इओन है एरा 2025, ये गाड़ी भी एक समय पे बहुत चली थी, अभी भी इसकी 2025 की गाड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग 2012 का है, रजिस्ट्रेशन 2013 का है, पेट्रोल गाड़ी है, प्योर पेट्रोल गाड़ी है, इसमें भी 50% लोन हो जाएगा आपका, सीट कवर वगैरह भी ओके है, मतलब आपको बाहर से कुछ भी काम नहीं करवाना इसमें, ये भी गाड़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए। हुंडई की एरा एक समय पे बहुत 2012 या 2013 में ये गाड़ी बहुत वैल्यूबल गाड़ी थी, मतलब इसकी डिमांडेड बहुत गाड़ी थी ये। फिर आ जाइए हुंडई की इओन एरा, ये भी हुंडई की इओन एरा है, ये 2025 की थी, और दोनों 2025 की गाड़ी है, दोनों ऑप्शन है, बस वो ओनर सेकेंड है, ये ओनर फर्स्ट मिल जाएगा, 2015 की गाड़ी है, वो 2014 की गाड़ी है, ये प्योर पेट्रोल है, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ओनर भी फर्क है तो आपको फर्स्ट ओनर भी मिल जाएगी ये गाड़ी। टायर भी इसके 70% ओरिजिनल है, टायर में भी कोई काम नहीं है आपको, 2 साल टायर आपको आराम से, आपका रनिंग ज्यादा नहीं है तो 2 साल आपको टायर देखने की जरूरत नहीं है। फिर मारुति की अल्टो STD 1,10,000 की गाड़ी है, ओनर फर्स्ट है, 2009 मॉडल है, पेट्रोल प्लस LPG लगा इसमें, इसको भी 50% लोन हो जाएगा, स्टेपनी टूल किट सब मिल जाएगा, स्टेपनी टूल किट तो हम हर गाड़ी पे आपको ये अवेलेबल रहेगा। और एक गाड़ी ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ये गाड़ी 1.5 लाख की गाड़ी है, 1.50 की गाड़ी है, ओनर इसका सेकेंड है, गाड़ी की कॉस्ट के हिसाब से ये गाड़ी कॉस्टली इसलिए है क्योंकि इसमें CNG लगा है, CNG लगा है इसमें, अपन कंपनी का CNG लगाने जाए तो 1 लाख का तो CNG लगता है अप्रोक्स, और इसमें CNG मिल जाएगा, गाड़ी भी कंडीशन में भी आपको गाड़ी अच्छी मिल रही है ये, और इसमें टायर देखिए तो आपको टायर यूं समझ लो मैं 80% भी नहीं बोलूं, उसमें 90% टायर पूरे ओके हैं, ये भी बेस्ट ऑप्शन है, गाड़ी बहुत रनिंग कंडीशन में, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, टायर भी आप देख ही चुके हैं 90% टायर है, 80% भी 90% टायर है, अप्रोक्स 2 साल आपको देखने की जरूरत नहीं है इस गाड़ी को। फिर एक ऑप्शन और अच्छा है अपने पास, अल्टो 800 का, ये VXi है, पेट्रोल में है, 2.5 लाख की गाड़ी है, 2.50 की गाड़ी है, 2015 मॉडल है, सेकंड ओनर है ये भी, इसमें भी आप देख सकते हैं टायर बिल्कुल 80% है, इसमें भी टायर 2.50 की गाड़ी है, आपको 2.60 या 2.65 में आपको गाड़ी कंप्लीट मिल जाएगी विद नॉन ट्रांसफर। फिर ये शोरूम हमारे इंदौर राऊ में है, राऊ में इमरोल स्कूल के पास में लग के शोरूम है, मैं आपको मिलूंगा, मैं सेल्स में हूँ यहाँ पर, और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और
और भी अपन नेक्स्ट चैनल में आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन होगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी आज के लिए। और मालवा कार ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्ते सर।